1 अप्रैल से 8 बैंकों की चेकबुक और पासबुक हो जाएगी बेकार, जल्दी करें ये काम। आपको बता दें, बीते कुछ दिनों में कुछ सरकारी बैंकों का बड़े बैंकों के साथ विलय हो गया है। इसके विलय होने वाले 8 बैंकों के ग्राहकों को 1 अप्रैल से पहले कुछ काम निपटाने होंगे। ध्यान रहे कि अगले महीने से इन 8 बैंकों में ग्राहकों के खाता नंबर भी बदल जाएंगे। जानिए कौन कौन से वो बैंक हैं जिनका विलय हुआ है। विजया बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक और देना बैंक शामिल हैं। ध्यान दें, अगले महीने से यानी कि 1 अप्रैल से इन बैंकों के ग्राहकों की पासबुक और चेकबुक भी किसी काम की नहीं रहेगी। इसलिए यदि आप इनमें से किसी भी बैंक के ग्राहक हैं तो फटाफट नए अकाउंट नंबर सहित पासबुक और चेकबुक के लिए आवेदन करें। जानिए कैसे कर सकते हैं चेकबुक और पासबुक के लिए आवेदन। यदि आप 8 बैंकों में से किसी भी एक के ग्राहक हैं तो आप नई चेकबुक और पासबुक के लिए आवेदन कर सकते हैं। उनकी मौजूदा चेकबुक और पासबुक 1 अप्रैल 2021 से किसी भी काम की नहीं रहेगी। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय पंजाब नेशनल बैंक, देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक, के साथ किया गया है। पीएनबी के ग्राहकों को सूचित किया गया है कि उनकी वर्तमान चेकबुक 1 अप्रैल 2021 से काम नहीं करेगी, इसलिए उन्हें नई चेकबुक जारी की जाएगी। इसके लिए आप तुरंत अपने बैंक से संपर्क करें। आपको नई चेकबुक और पासबुक के साथ IFSC और MICR कोड के लिए भी आवेदन करना होगा। जिन बैंकों का विलय हुआ है उन बैंकों के खाताधारकों को जल्द से जल्द नए और MICR कोड भी ले लेने चाहिए। ये दोनों ही कोड बेहद काम के हैं। मनी ट्रांसफर और ऑनलाइन लेन देन में इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। अपनी पर्सनल डिटेल अपडेट करें। इन 8 बैंकों के खाताधारकों को अपनी खाते की डिटेल भी अपडेट करनी होगी। इसके लिए डिटेल में फोन नंबर, पता, नॉमिनी, व्यक्ति का नाम शामिल है। इसके बाद ग्राहकों को उस नए बैंक से एक नई चेकबुक और पासबुक मिलेगी जिनमें उनके पुराने बैंक का विलय हुआ है। दूसरी जगह करनी होगी डिटेल अपडेट। जिन खाताधारकों ने अन्य सर्विस की सेवाएं ली हैं, जैसे लोन योजना और निवेश योजना आदि, तो उन ग्राहकों को नई चेकबुक और पासबुक मिलने पर अपनी सभी डिटेल अपडेट करानी पड़ेगी। 1 अप्रैल से लागू होंगे 5 नए इनकम टैक्स नियम, आपके लिए जानना जरूरी। बजट 2021 पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स रूल्स में बदलाव की घोषणा की थी। ये परिवर्तन 1 अप्रैल 2021 से लागू होने वाला है। नए नियमों के अनुसार 75 वर्ष और उससे ज्यादा आयु के वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन से आय और उसी बैंक में सावधि जमा से ब्याज 1 अप्रैल से ITR भरने से छूट दी जाएगी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने उन लोगों के लिए उच्चतर TDS के कर में कटौती का प्रस्ताव दिया है जो अपना ITR दाखिल नहीं कर रहे हैं और EPF अकाउंट में सालाना एनुअली 2.5 लाख रुपए ऊपर का योगदान करने वाले लोगों पर टैक्स लगाने की घोषणा की है। चलिए जानते हैं 5 आयकर बदलाव जो 1 अप्रैल से लागू होंगे। PF टैक्स नियम। 2.5 लाख से ज्यादा प्रोविडेंट फंड में वार्षिक कर्मचारी योगदान पर 1 अप्रैल 2021 में टैक्स लगाया जाएगा। सरकार ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में हाई वैल्यू डिपॉजिट पर टैक्स लगाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि EPF का उद्देश्य श्रमिकों का कल्याण करना है और कोई भी व्यक्ति जो अफेक्टेड 2 लाख रुपए प्रति महीने से कम कमाता है प्रस्ताव से प्रभावित नहीं होगा। TDS 1 अप्रैल से अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता है तो बैंक जमा पर TDS की ब्याज पर दुगनी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स आउटगो स्लैब में नहीं आता, वो ITR भी फाइल नहीं करता, तो उस पर TDS की दर दुगनी हो जाएगी। 75 वर्ष से ज्यादा के वरिष्ठ नागरिकों को ITR दाखिल करने से छूट दी गई। इस बार का बजट सत्र पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने वरिष्ठ नागरिकों पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने से 75 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को छूट दी थी। ये छूट केवल उन वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगी जिनके पास कोई दूसरी इनकम नहीं है, लेकिन पेंशन अकाउंट की मेजबानी करने वाले बैंक से पेंशन और ब्याज आय पर निर्भर है। पहले से भरे हुए ITR फॉर्म। व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स को पहले से भरे हुए ITR दिए जाएंगे। टैक्सपेयर्स के लिए अनुपालन को आसान बनाने के लिए पहले से ही आयकर रिटर्न से वेतन, आयकर भुगतान, TDS आदि डिटेल्स पहले से ही भरी हुई होंगी। रिटर्न दाखिल करने में आसानी के लिए लिस्टेड सिक्योरिटीज से कैपिटल गेन्स, डिविडेंड इनकम और बैंकों, डाकघर से ब्याज आदि का डिटेल्स भी पहले से भरना होगा। ट्रैवल लीव कंसेशन। केंद्र सरकार ने COVID-19 के चलते ट्रैवल लीव कंसेशन योजना में छूट की घोषणा की थी। ट्रैवल लीव कंसेशन कैश वाउचर स्कीम नए वित्त वर्ष में लागू हो जाएंगे। सरकार ने पिछले साल उन लोगों के लिए इस योजना की घोषणा की थी जो कोरोना वायरस के चलते यात्रा पर लगे प्रतिबंधों की वजह से LTC टैक्स बेनिफिट का फायदा नहीं उठाया था। फटाफट खरीद डाले इलेक्ट्रॉनिक सामान, अप्रैल से बढ़ जाएंगे AC, फ्रिज, LED के दाम। पैनासोनिक, हायर और थॉमसन जैसे ब्रांड की कीमतें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें, अप्रैल के महीने में टेलीविजन की कीमतें 2000 से 3000 रुपए तक बढ़ सकती हैं। कस्टम ड्यूटी में इजाफा, महंगे कॉपर सप्लाई में कमी और अन्य कारणों से टीवी पैनल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और दुगने से ज्यादा पहुंच गई हैं। महंगा होगा AC और पंखा। AC बनाने वाली कंपनियों की कीमत में 4 से 6% बढ़ोतरी की योजना बन रही है। कॉपर की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। इससे AC, फ्रिज, कूलर, पंखा जैसे सामान की निर्माण लागत बढ़ गई है। ऐसे में आने वाले समय में इनकी कीमतों में उछाल आएगा। तांबा
महंगा होने की वजह से पंखे बनाने की लागत बढ़ गई है, जिसकी वजह से अब पंखों के दाम बढ़ सकते हैं। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।